कि जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। मड़ी चो खटे टुरका आज चार धाम आए दिन। राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को भजन गाकर इस मौके का जश्न मनाते हुए भी देखा जा सकता है। वहीं उरी को अब तक लोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जानते हैं, लेकिन इस बार यहां की एक मुस्लिम छात्रा ने राम भजन गाकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हैं। मड़ी चो खटे ता टुरका आज चार धाम आए दिन। मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन। जी हां, छात्रा का नाम सैयदा बतुल जहरा है। वीडियो में उसने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए इस भजन से जम्मू कश्मीर को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की बात कही। उन्होंने एक रिकॉर्ड किए गए मैसेज में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 11 दिनों का व्रत रख रहे हैं। देश के कोने कोने में सभी लोग प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाली मधुर धुनें गा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी उतने ही उत्साह से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। पहाड़ी भाषा में राम भजन गाने को लेकर जब बतुल जहरा से बात की गई, तो उन्होंने कहा, मैंने बॉलीवुड सिंगर जुबेन नेटियाल का एक गाना सुना और मुझे वे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जब ये हिंदी में हो सकता है तो फिर ये पहाड़ी में क्यों नहीं। मैंने इसे पहाड़ी भाषा में लिखा और गाया भी, साथ ही मैंने इस गाने को रिकॉर्ड किया और अपने सर को दिखाया। इसके बाद मेरे सर ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वायरल हो गया। वहीं महज 42 सेकंड के अपने वीडियो में जहरा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का व्रत रखा है। उन्होंने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नेक आमद के लिए किया है। आगे जहरा ने कहा, आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर भी इस समारोह से जुड़ा है। ए सीता मैया अंगना बिराजनी हुरा के मैं पैया लागू। बतुल जहरा ने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम है ना, उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें, मतलब वतन हुब्बे मोहब्बत ही जिसको बोलते हैं, अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मिली जानकारी के अनुसार सैयद बतुल जहरा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की छात्रा है। वे उड़ी की पहाड़ी समुदाय से हैं। वे उस समय चर्चा में आई थी जब उसने 2023 में 12वीं कक्षा में 500 में से कुल 459 अंक प्राप्त किए थे। दरअसल जहरा ने बड़ी दिक्कतों को झेलकर पढ़ाई की। वे उड़ी में बॉर्डर एरिया में रहती हैं, जहां से उसके स्कूल जाने के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन भी नहीं है। जहरा रोजाना कई घंटे पैदल चलकर स्कूल आती जाती थी। इसके अलावा उसके पास ट्यूशन और गाइड करने के लिए कोई टीचर नहीं था। जहरा ने बताया था कि वे पैदल कई किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचती थी। घर की आर्थिक हालत खराब होने के चलते वे ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकी। जहरा आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। डॉक्टर सैयद शहरीज असगर जहरा के आदर्श हैं। वे बारामूला के डिप्टी कमिश्नर हैं। वहीं जहरा के इस गीत को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।